वार्ड 21 के वासियों ने किया मतदान का बहिष्कार, बोले प्रत्याशी ना आए वोट मांगने। नगर पालिका चुनाव के विगुल फूक चुका है, सभी दलों के प्रत्याशियों ने मतदाताओं को मनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं और घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। वहीं मतदाता भी अब चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों की मंशा भी समझ चुके हैं। वह जानते हैं कि चाहे किसी भी दल का प्रत्याशी हो, वह क्षेत्र में विकास कार्य कराने नहीं बल्कि अपना विकास कार्य करने के लिए आ रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाकर किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन अब जनता को किसी भी दल का प्रत्याशी गुमराह नहीं कर सकता। वह समझ चुकी है कि चुनाव जीतने के बाद क्या होगा और किस तरह का विकास वार्ड का होगा। जनता इसलिए भी दुखी है कि पिछले कार्यकाल में जो पार्षद बने उन्होंने जनता की समस्याओं को कितना सुना और कितना उसको हल किया। जनता वैसे पार्षद पद के पूर्व व नए प्रत्याशियों को सबक सिखाने के मूड में आ गई है। ऐसा ही एक मामला शिवपुर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 21 से आया है। यहाँ के रहवासियों ने नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार कर दिया। वार्ड वासियों ने कहा कि किसी भी दल का प्रत्याशी उनके यहाँ वोट मांगने के लिए संपर्क करने ना आए। निवासियों का यह भी कहना है कि मतदान के बहिष्कार के बाद भी यदि कॉलोनी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। ज्योति पांडे, ये किस तरह का प्रोटेस्ट है आप लोगों का और क्यों किया जा रहा है? हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी ना, हम लोग एक भी वोट नहीं डालेंगे किसी में भी, इस चुनाव से लेके आगे के भी चुनाव में किसी में भी हम लोग अपने मत का अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या कुछ मांगे आप? हमारी मांगे है कि अतिक्रमण हटा के पानी की समस्या का निराकरण करो, जो निकास है उसको करो, सीवर लाइन की समस्या का निराकरण करो। हमारा, हम रोज सीवर लाइन से परेशान है, रोज पानी के बाद बरसात हो रही है, हम रात भर सो नहीं पाए। हमारे पास 90 साल के 92 साल के बुजुर्ग माता पिता हैं, उनको लेके हम कहाँ जाएं रोज के रोज। पिछले साल 5 दिन उनको चाय पीने तक नहीं मिली थी, पानी भर रहा था ना तो दूध नहीं आ रहा था, कहाँ लेके जाएं हम उनको। प्रशासन से कह के थक गए हैं, इसलिए अब हम ना प्रशासन से बोलने जा रहे हैं ना किसी से बोलने जा रहे हैं, अब हम अपना यही करेंगे कि हमें वोट नहीं डालना है। हम जानते हैं सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, लेकिन अपने मत का अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहते हम। आप एक महीना के बाद आज आप ये सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस बात को लेकर ये पूरा प्रोटेस्ट है कॉलोनी के बाहर? प्रोटेस्ट इस बात पे है कि इसमें पानी भरता है, पानी जो ही गिर जाता है तो वो अपने घरों में घुस जाता है। लगातार ये समस्या तो 20 साल से है, पर अभी पीछे से उसका निकास जाता था तो इतनी समस्या नहीं थी। तो 2 साल से वहाँ पर जो इसको नगर हाउसिंग बोर्ड ने जो नाली बना रखी थी उस पर अतिक्रमण हुआ है, उस पर ऊपर मकान डाले हैं, किचन डाले हैं, किचन बना रखे हैं। अब जब वो सारी नाली ही बंद हो गई तो वो पूरा कॉलोनी में पानी घुस जाता है। अरे अतिक्रमण को लेकर आपने कभी किसी अधिकारी से, किसी प्रशासन, जितने भी जनप्रतिनिधियों से शिकायत की? सबको की है। अपने ये एक प्रेस नोट बनाई है, उसमें अपन ने पूरा उसका वो दे दिया है डेट वाइज कि हमने किसको क्या दे दिया है जी। उसके बाद भी कोई सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं। अब इस बार आप क्या करने वाले हैं? इस बार तो अपन ने बिल्कुल हताश होकर अपने ये कहा कि अपन अगर अपना कोई समस्या ही नहीं सुन रहा तो फिर काय का चुनाव, काय का वोट। इसलिए अपन ने ये मत किया अपनी पूरी कॉलोनी ने कि अपन किसी को कोई मत ही नहीं देंगे, क्योंकि जब कोई किसी समस्या में कोई हमारा सुनने वाला ही नहीं है। अभी आप ये मान लीजिए कल रात को पानी गिर गया है, सब ने अपने अपने सामान बांध लिए है, कौन किसके रिश्तेदार में जाएगा, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरी कॉलोनी चुनाव का बहिष्कार कर, पूरी कॉलोनी चुनाव का बहिष्कार कर रही है। कोई फायदा ही नहीं है सर, इतने घर में पानी इतना भरा है कि ऊपर पूरा सामान नुकसान, अभी तक छतें भरी हैं, रजाई का दंड से सब जाके नहीं देख लो, पूरा सामान इतना बर्बाद हुआ है कि पार्षद का काम होता है सफाई का, पानी उपलब्ध करवाना, कोई नहीं, कोई नहीं। चैम्बरन में हर महीना 500 रुपया दे रहे हैं, तो भी चैम्बर नहीं होते, वो आते हैं और वो थोड़ा बहुत कर जाते हैं और अपने का मालूम क्या लगा जाते हैं, तो पीछे ही फिर बढ़ जाते हैं। मतलब आप अपने पैसों से हर प्राइवेट स्वीपर बुलाते हैं, वो ही प्राइवेट बुलाते हैं तो वो 5,000 रुपये दे रहे हैं और उनको 500 हर महीने लग रहे हैं, हर महीना। आप चल के देख रहे हैं, अगर चैम्बर लीक हो जाता है तो फिर क्या पूरे गंदगी आपके घरों तक आती है? घर में भर जाती है, कमरन में भर रही है सर, किचन में भर रही है, कमरन में भर रही है, परेशान है हम तो भैया। वैसे ही हम जाए कि मकान बने हैं तो छोड़ के तो जा नहीं सकते। क्या नाम है? भगवती भार्गव। हाँ, हम सबके साथ हैं, हम बहुत परेशान हैं। एक मिनट, क्या नाम है बताइए आपका? जानकी भाई शर्मा। आप इस कॉलोनी में कितने सालों से रह रहे हैं? 20 साल से रह रहे हैं भैया। 20 साल से जी। तो ये कॉलोनी में किस तरह की समस्या है? बहुत भाई समस्या है इस कॉलोनी में, सब सामान फेंका है अब की साल तो, ये सोच लो आप, और कोई सुनता भी नहीं है। तो क्या हर साल यहाँ पानी भर जाता है? हर साल भरता है, चैम्बर तो हमें हर महीने परेशान करते हैं। आप नगर पालिका कभी चैम्बरों को सही करवाती है? हम तो खुद करवाते हैं, पैसे दे देखिए।
नगर पालिका कोई नहीं, नहीं। हाउस टैक्स वगैरह सब ले रही है, सब सब आप देख लीजिए, सब कुछ सब कुछ, पानी का बिल, हाउस टैक्स। इस बार आप किस तरह का विरोध करने वाले हैं? हमको यही हमारी समस्या का निराकरण हो जाएगा तो हम चुनाव में वोट देंगे, नहीं नहीं देंगे किसी को, हम तो बहुत परेशान है। अच्छा, आपके इतने सालों से जो वार्ड पार्षद बनते रहे हैं, जो आपके विधायक बनते रहे हैं, कोई नहीं सुनता, सब लोगों को कभी बताया है? सबको बताया, सबको बताया, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं, कोई सुनता नहीं, सुनता, सबको बताया है भैया, ऐसा थोड़ी है कि हमने बताया ना होगा।